नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं रूपिका। कानपुर के पुखराया में रेल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब 145 तक पहुंच गया है। रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है, हालांकि रेल रूट को शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हादसे में जान गंवाने वालों में से ज्यादातर लोगों की पहचान हो चुकी है। 100 से ज्यादा शव मृतकों के परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। कल पूरी रात ट्रेन में फंसे लोगों को निकालने का काम चला। हादसे में घायल लोगों का इलाज कानपुर के अस्पतालों में जारी है। मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी, मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स, मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ और सारे आउटसोर्सिंग एजेंसी के लोगों ने तन मन धन से काम किया, दिल लगा के काम किया। इंदौर पटना एक्सप्रेस के बाकी यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन पटना पहुंची। हादसे को याद करके लोग सिहर उठे। ट्रेन में ही थे। क्या हुआ था मैडम? क्या हुआ क्या बताएं, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक एकदम गाड़ी में जोर जोर से आवाज होने लगा और गाड़ी तिरछी हो गई पूरी। रविवार सुबह 3 बजे के करीब इंदौर से पटना जा रही एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। हादसे में सिटिंग स्लीपर और एसी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि पीछे के कुछ डिब्बे पिचक कर अपनी कुल लंबाई के आधे हो गए थे। हादसे की वजह से झांसी कानपुर रूट पर 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 29 ट्रेनें डायवर्ट की गई। कानपुर ट्रेन हादसे को लेकर आज रेल मंत्री ने संसद में बयान दिया। वहीं विपक्ष ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे पर बयान दिया। हादसे पर अफसोस जताते हुए रेल मंत्री ने कहा कि इसकी फॉरेंसिक जांच होगी, साथ ही उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात भी कही। स्टैट्यूटरी इंक्वायरी बाय कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इनटू द एक्सीडेंट हैज बीन ऑर्डर्ड टू डिटरमाइन द करेक्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट। देयर शैल बी अ सेपरेट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एडेड बाय लेटेस्ट टेक्निकल एंड फॉरेंसिक एनालिसिस। क्विकेस्ट पॉसिबल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द गिल्टी। विपक्ष ने हादसे को लेकर पीएम पर निशाना साधा। मैं समझती हूँ कि आप पूरे देश के अंदर ये मालूम है कि 70 से ज्यादा लोग की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल ठीक है, मामले को ठीक है। सच अ सिचुएशन, सच अ ट्रेजिक एक्सीडेंट हैपेंस, इज वेरी नियर टू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर शुड हैव विजिटेड द स्पॉट, द रेलवे मिनिस्टर शुड हैव विजिटेड द स्पॉट। शुरुआती जांच के मुताबिक पटरी में दरार की वजह से इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी। रेल मंत्री ने हादसे की जांच का आदेश दिया है। रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर ने जांच शुरू की है। रेलवे ने जांच के लिए झांसी कानपुर रेल लाइन की वीडियोग्राफी भी कराई है। कानपुर के सांसद और बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। कानपुर हादसे की वजह से कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। नोट बैन के मुद्दे को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो पाया। कानपुर हादसे में पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही संसद के कामकाज की शुरुआत हुई, विपक्ष ने नोट बैन को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा में विपक्ष ने नियम 56 के तहत नोट बैन पर बहस की मांग की, जबकि राज्यसभा में पीएम के मौजूद रहने की मांग की। सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष बहस से भाग रहा है। विपक्ष उस बहस से भाग क्यों रहा है? ये स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिस्टर्ब करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है। कई बार सदन स्थगित होने के बाद भी जब हंगामा खत्म नहीं हुआ तो कल तक के लिए कार्यवाही रोक दी गई। संसद के गेट पर भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने नोट बैन पर सरकार के फैसले का विरोध किया। विपक्ष नियम 56 के तहत बहस चाहता है। नियम 56 में चर्चा के बाद वोटिंग होती है। सरकार नियम 193 के तहत बहस चाहती है। इसमें चर्चा के बाद ना तो वोटिंग होती है ना प्रस्ताव पास होता है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने बैठक कर सरकार के खिलाफ रणनीति भी बनाई। बुधवार को विपक्ष के करीब 200 सांसद संसद में गांधी प्रतिमा के आगे धरना देंगे।
विपक्ष के सांसद एक बार फिर राष्ट्रपति के पास नोट बैन को लेकर शिकायत कर सकते हैं। आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हुआ। समारोह के दौरान वायुसेना के फाइटर जेट्स ने भी एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया। उन्नाव के बांगरमऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन का तोहफा देते हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कल मुलायम का जन्मदिन है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पूरा परिवार एक साथ नजर आया। बेटी की तारीफ करते हुए मुलायम ने कहा कि देश के नेताओं को यूपी से सीखने की जरूरत है। महत्वपूर्ण सड़क है, देश की महत्वपूर्ण सड़क है और देश के लिए एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश से सीखें। अब उत्तर प्रदेश पिछड़ा पिछड़ा कहते हैं। अगर नेताजी का आशीर्वाद न होता और आपकी मेहनत न होती तो शायद ये दिन नहीं आता। मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत जल्दी ये जनता के लिए भी खुल जाएगा। भाई अभी पूरा तैयार नहीं है, ये कच्चा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी ये मालूम है कि वो दोबारा से पावर में आने वाले नहीं है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों मिराज 2000 और सुखोई 30 ने टचडाउन किया। दरअसल इस एक्सप्रेसवे को एयर स्ट्रिप के तौर पर बनाया गया है ताकि युद्ध या किसी और इमरजेंसी के वक्त यहां प्लेन लैंड या टेक ऑफ कर सके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। इसे 23 महीने के रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण में 13,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से आगरा की दूरी 3.5 घंटे में और आगे दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 5 से 6 घंटे में तय की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे के बनने से कृषि, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म और दूध के कारोबार की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब सरकार का लक्ष्य एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया से जोड़ने का है। जम्मू कश्मीर में सीमा और एलओसी पर फिर पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। कल रात राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की शुरुआत हुई। रात भर फायरिंग चलती रही और सुबह भी ये सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के 4 जवान घायल हो गए। उनमें से एक हेड कांस्टेबल रायसिंह का निधन हो गया। 40 साल के रायसिंह हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले थे। पाकिस्तान ने फायरिंग के दौरान न सिर्फ बीएसएफ चौकियों बल्कि गांवों को भी निशाना बनाया। दहशत की वजह से लोगों को अपना अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। भाई पूरे रात को इतनी ज्यादा शेलिंग हुई है ना, और इस टाइम तक बिल्कुल बराबर चल रही है। स्कूल वगैरह बंद है, दहशत इतनी ज्यादा है कि पूरी रात बच्चे नहीं सोए हैं। इतनी ज्यादा खतरनाक शेलिंग कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई इस बार भारत की ओर से हो रही है, इस प्रकार की कार्रवाई पहले कभी कई दशकों में देखने को नहीं मिली और यही कारण है कि उनका मनोबल बहुत ऊंचा। पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा, पुंछ की कृष्णा घाटी, मेंढर और बालाकोट में भी फायरिंग की। इस साल 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ने 369 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान करीब 300 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 15 जवानों और 12 आम लोगों की मौत हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में सीज फायर का समझौता हुआ था। पाकिस्तान की फायरिंग के बाद राजौरी के मंजाकोट इलाके में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नौसेना को आज नई ताकत मिली। वॉरशिप INS चेन्नई को औपचारिक तौर पर नेवी में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में 60% स्वदेशी तकनीक वाले वॉरशिप INS चेन्नई को देश को सौंपा। INS चेन्नई की खासियत है कि ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। रक्षा मंत्री ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर द इंडियन नेवी एज द लास्ट ऑफ प्रोजेक्ट 58 क्लास डिस्ट्रॉयर्स फॉर्मली एंटर्स द सर्विस। द शिप रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट कमिंग ऑफ एज of our warship building capacity. INS चेन्नई देश के सबसे बड़े वॉरशिप में एक और कोलकाता श्रेणी का तीसरा वॉरशिप है। INS चेन्नई की कुल लंबाई 164 मीटर और कुल वजन 7500 टन है। INS चेन्नई जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल से लैस है। कोलकाता श्रेणी के पहले वॉरशिप INS कोलकाता को 16 अगस्त 2014 जबकि दूसरे वॉरशिप INS कोची को 30 सितंबर 2015 को नेवी में शामिल किया गया था। 500 और 1000 के नोट बैन का दिल्ली के क्राइम रेट पर बड़ा असर पड़ा है। 8 नवंबर के बाद से दिल्ली में होने वाले अपराध के मामलों में काफी कमी दर्ज की गई है। बीते एक हफ्ते के आंकड़ों को देखकर पुलिस भी काफी हैरान है।
500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद से दिल्ली में कोई बड़ी लूटपाट या झपटमारी की घटना सामने नहीं आई। पिछले सप्ताह दो सप्ताह में यस, चूंकि पुलिस का प्रेजेंस भी थोड़ा और एक ऐसा सरकमस्टांसेस है। जो मोदी जी किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, पब्लिक को परेशानी हो रही है सर, लेकिन पब्लिक से नाखुश नहीं है, खुश है। तो क्राइम भी घटा है, मैक्सिमम जो क्राइम होता था ऑलमोस्ट 50% तो लिकर आई मीन दारू वगैरह यूज करने के बाद लोग मार्केट में कर लेते थे। अब पैसा है नहीं तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, सो एक वैलिड रीजन इसका ये हो सकता है। 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच हत्या की कोशिश के 16, उगाही के 5, स्नैचिंग के 170 मामले सामने आए थे। 7 नवंबर तक चोरी के 273, सेंधमारी के 263 और गाड़ी चोरी के 712 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 9 नवंबर से 15 नवंबर तक हत्या की कोशिश के 6, जबकि उगाही का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। स्नैचिंग के 144, घर में चोरी के 209, सेंधमारी के 207 और गाड़ी चोरी के 609 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कुल 11 पुलिस जिले हैं और आंकड़ों के मुताबिक पहले आमतौर पर रोजाना झपटमारी की 50 और लूटपाट की 30 मामले सामने आते थे। आज सुबह कोलकाता के SSKM अस्पताल में आग लग गई, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सुबह 11:45 अस्पताल के रोनल्ड रॉस ब्लॉक की 6th मंजिल पर एक लाइब्रेरी में आग लगी। हादसे के वक्त 17 मरीज वहां मौजूद थे, लेकिन सभी को अस्पताल के कर्मचारियों ने वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल का दौरा किया और जांच के आदेश दिए। आज सुबह करीब 10:30-11 बजे इस रोनल्ड रॉस ब्लॉक के 6th मंजिल जहां पर बर्न और प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है, उसके पास ही लाइब्रेरी में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में आग की कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 17 अक्टूबर 2016 को भुवनेश्वर के SUM अस्पताल में आग लगी, हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। 27 अगस्त 2016 को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में आग लगी, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। नवंबर 2015 में कटक के शिशु भवन अस्पताल में आग लगने से लाखों रुपए की मशीन जलकर खाक हो गई और कई नवजात घायल हो गए। जनवरी 2013 में बीकानेर के PBM अस्पताल में आग लगने से 3 नवजात घायल हुए। 3 महीने के अंदर कोलकाता के SSKM अस्पताल में आग लगने की दूसरी घटना है। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू को झटका लगा है। लुधियाना के बैंस भाइयों ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी से अलग होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने आवाज़े पंजाब नाम से मोर्चा बनाया था। सिद्धू के अलावा पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह, बलविंदर सिंह बैंस और सिमरजीत सिंह बैंस भी आवाम पंजाब में शामिल हुए, लेकिन बैंस ब्रदर्स ने 28 अक्टूबर को सिद्धू का साथ छोड़कर लोक इंसाफ पार्टी बनाई और अब ऐलान किया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जितना बादलों ने नुकसान किया उतना ही कांग्रेस पार्टी बराबर की हिस्सेदार है। ये लोगों का एक सत्याग्रह और युद्ध है इन बेईमानों के खिलाफ जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया। सूत्रों के मुताबिक बैंस भाइयों और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पंजाब चुनाव को लेकर मतभेद थे। सूत्रों के मुताबिक AAP और कांग्रेस में से आवाज़ पंजाब किसका साथ देगी, इस बात पर मतभेदों की शुरुआत हुई। परगट सिंह और बैंस ब्रदर्स ने सिद्धू पर फैसले की जिम्मेदारी सौंपी थी। AAP और कांग्रेस से सिद्धू की कई दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन काफी बातचीत और कोशिशों के बावजूद फैसला लेने में हो रही देरी की वजह से मोर्चे में फूट पड़ी। अहमदाबाद के पौश इलाके में एक लावारिस नवजात के मिलने से अफरा तफरी मच गई है। भोडक देव की पंचामृत बिल्डिंग के पास एक बैग के अंदर कोई इस नवजात बच्ची को छोड़कर चला गया। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस को खबर दी गई। बच्ची को अभी सिविल हॉस्पिटल 16 में एडमिट किया है, बच्ची सेफ है और पुलिस ने अनजान लोगों के विरुद्ध में FIR लॉज करके उसकी तहकीकात स्टार्ट कर दी है। हमने पानी भी पिलाया था थोड़ा, एक अंकल के घर से आंटी दूध लेके आए जो थोड़ा थोड़ा हमने दूध भी पिला है। नवजात बच्ची फिलहाल सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची सिर्फ 7 दिनों की है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। ठंड को ध्यान में रखते हुए नवजात को गर्म कपड़े पहनाकर छोड़ा गया था।